आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं ये परिचर्चा आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपके पास इसकी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद बता दिया कि वो किस तरफ खड़े हुए हैं। वो पूरी तरह एक पार्टी की तरह बोल रहे थे, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने रात को ये लिखा, क्या लिखा है, अधूरी हसरतों का इल्जाम। कांग्रेस की हसरतें अधूरी है जिसने 70 साल देश में शासन किया हो, उसकी तो सारी हसरतें पूरी हो गई। आप अधूरी हसरत तो उनकी होती है जो आज तक नेहरू को कोस रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री हम न हुए नेहरू हो गए, दूसरे प्रधानमंत्री हम न हुए लाल बहादुर शास्त्री हो गए, इंदिरा गांधी हो गई। अधूरी हसरतें कहना क्या मतलब है इसका, किसकी हसरतें अधूरी रह गई। कांग्रेस ने देश पे शासन किया 70 साल, देश को बना के दिया, सब कुछ कर दिया उन्होंने। वो एक बहुत ही हल्की बात उन्होंने आज की है जिसकी उम्मीद उनसे बिल्कुल नहीं थी। ईवीएम पर वो इस तरह से जवाब दे रहे थे जैसे ईवीएम उनका क्रिएशन हो, उनका बेबी हो। अरे ईवीएम तो एक उन्हें मिला था जिसमें बाद में गड़बड़ी की शिकायतें होने लगी, तो चाहिए ये था कि विपक्षी दलों को बुलाते जो 10 महीने से मांग कर रहे थे कि साहब वीवीपैट पे हमें आपको बात करना है। वीवीपैट पे बात करने आए थे ना, तो पर्ची में बात करने आए थे ना। आप कहते हैं कि ठीक है ईवीएम, तो भाई हमें सारी की सारी पर्चियां दे दो आप। 10 महीने में आपने उन्हें टाइम नहीं दिया, क्यों? इसका जवाब उनके पास नहीं था। देखिए वो आज ये नहीं बता पाए कि गोयल साहब ने जो इस्तीफा दिया वो क्यों दिया। आपको सबसे पहले सुमोटो में यह बताना था कि मेरे एक साथी गोयल साहब मुझसे नाराज होकर, चुनाव आयोग से नाराज होकर चले गए और उसके बाद हम 2 आदमी बोल रहे हैं। इससे पहले भी चले गए थे। आखिर आपकी वजह से सारे लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? देखिए सवाल बहुत गंभीर है, लेकिन अब इस सवाल से आगे की बात है और वो विपक्ष को देखना चाहिए, विपक्ष को इसका जवाब देना चाहिए, बहुत मजबूती के साथ देना चाहिए। और जैसा कि राहुल ने बॉन्ड के ऊपर कहा है कि एक ना एक दिन सरकार आएगी, ये सरकार जाएगी और उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि मैं गारंटी देता हूं कि लोग याद रखेंगे, इसी तरह उन्हें ईवीएम के ऊपर भी ये कहना चाहिए और उससे भी ज्यादा सख्ती से कहना चाहिए। और ये नहीं कहना चाहिए एक ना एक दिन, कभी ना कभी शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने। उन्हें तो ये कहना चाहिए कि 4 जून को, 5 जून को, 4 जून को गिनती है ना, 5 जून को, 4 जून को ही, 4 जून की शाम को किसी को छोड़ूंगा नहीं तो मैसेज जाएगा और यह बहुत जरूरी है। तो यह मैसेज राहुल गांधी को, एकजुट विपक्ष को, या कल जो बहुत बड़ी रैली होने वाली है मुंबई में उसमें सारे विपक्षी दल के लोग होंगे, वहां से देना चाहिए कि मिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुन लीजिए और बाकी अधिकारी भी सुन लें, जो जो चुनाव के कार्यों से संबंधित है वो सब सुन लें इस बात को कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह विश्वासघात जनता के साथ है। दूसरी बात जी, कि अब कांग्रेस को और विपक्षी दलों को बचे हुए राज्यों में तेजी के साथ सीट शेयरिंग करना चाहिए, बहुत तेजी के साथ। सीट शेयरिंग के बाद अपने टिकट का घोषणा कर देना चाहिए सबको, और टिकट वितरण में यह बात ध्यान रखना चाहिए कि पैमाना सिर्फ जीत का हो। यह चुनाव देखिए छोटे मोटे इशू का नहीं होता है, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं आदमी के, लेकिन एक वक्त आता है जब 4 सिद्धांत बगल में रख दिए जाते हैं और मेन लक्ष्य के लिए काम किया जाता है। तो इस वक्त मेन लक्ष्य लोकतंत्र को बचाना जी, इससे बड़ा इस वक्त चुनाव में और कोई सिद्धांत नहीं है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हर समझौता करिए, अच्छे टिकट दीजिए और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़िए, तब जनता जो है आपके साथ खड़ी हो जाएगी और जनता जो है वो खुद चुनाव लड़ने लगेगी। इस चुनाव में अगर
हैट्रिक हो गई, तीसरी बार आ गए, तो ये राजीव कुमार जी जो हैं, जो ये चाह रहे हैं, जिस अदा से ये बोल रहे हैं, ये नेक्स्ट प्रमोशन ले लेंगे, राज्यपाल बन जाएंगे, उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, राज्यसभा में चले जाएंगे। तो अगर आपको ये रोकना है, हो सकता है सीडब्ल्यूसी की बैठक हो, हमने अभी देखा नहीं है, हो सकता है सीडब्ल्यूसी की भी हो, मगर अब सीईसी की जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसकी बैठक है, और उसमें जो है टिकटों के बंटवारे पर विचार होना है। देखिए इस वक्त कांग्रेस के लिए खास तौर से टिकट देने में जो सबसे खास बात है, जिससे नरेटिव बनेगा, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश जाएगा और पूरे देश में माहौल बनेगा, वो दो सीटों पर है, अमेठी और रायबरेली। अभी तक कांग्रेस इस पर फैसला नहीं कर पाई है जी। और सच ये है, कहना ये चाहिए कि खुद राहुल गांधी और प्रियंका इस पर फैसला नहीं कर पाए, इसीलिए आज अचानक जो है प्रियंका बॉम्बे पहुंच गई हैं, वहां वो राहुल जी से बात करेंगी, खड़गे जी से बात करेंगी। इसमें दोनों तरह की बातें कही जा रही हैं कि लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन अमेठी और रायबरेली का कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए था, वो सोनिया गांधी से भी मिला, कांग्रेस के दूसरे नेताओं से भी मिला, और उनकी एक ही मांग है कि ये दोनों सीटें बिल्कुल छोड़ी नहीं जाना चाहिए, अमेठी से राहुल गांधी को लड़ना चाहिए और रायबरेली से प्रियंका गांधी को, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा में आ गई है, वो नहीं लड़ेंगी, उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है। तो ये दोनों सीटें जब तक कांग्रेस इसकी घोषणा नहीं करेगी तब तक पूरा माहौल बनेगा नहीं, और उम्मीद है कि जो सीईसी होने वाली है उसमें इस बारे में विचार होगा। दूसरी बात, जो एक सवाल आप कर रहे हैं कि चुनाव कहां जा रहा है, देखिए राजीव जी, चुनाव कहां जा रहा है वो इससे समझ सकते हैं कि कश्मीर में इन्होंने चुनाव की घोषणा नहीं की। अभी दो दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार जी, जिनकी आप बार बार तस्वीर दिखा रहे हैं, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में थे, और वहां पे सभी राजनीतिक दलों ने उनसे कहा कि लोकसभा के साथ हमारे विधानसभा के चुनाव भी करवाइए, 6 साल से विधानसभा भंग पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि 30 सितंबर से पहले चुनाव हो जाना चाहिए, पुनर्सीमन हो चुका है विधानसभाओं का, जम्मू में सीटें आपने बढ़वा ली हैं ताकि जम्मू में आप सोचते हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो हमारी सरकार बन जाएगी, और वहां बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारे लिए पहली बार मौका है कि जब जम्मू कश्मीर में हम अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो जब आप ये सब कर सकते हैं तो चुनाव करवा लेते, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। यही वो पॉइंट है, यही वो मुकाम है जहां से आप समझ सकते हैं कि चुनाव कहां जा रहा है। इसका मतलब कि आप जम्मू कश्मीर में आश्वस्त नहीं थे, और चूंकि जम्मू कश्मीर में आश्वस्त नहीं थे तो आप पूरे देश में भी आश्वस्त नहीं है जी। आज बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है बेरोजगारी। इस समय देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी से भी बात कर लीजिए, इसके अलावा लोग बात नहीं करते। वो महंगाई की बात करते हैं मगर साथ में ये कहते हैं कि अगर हमारे पास रोजगार है, हमारे पास काम है, तो हम थोड़ा महंगा भी खरीद लेंगे। आपने 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता कर लिया, नहीं कर लगे हम करेंगे क्या उसका, हमने तो गाड़ी बंद करके रख दी है, बाइक चलाते थे वो रख दी है हमने, हम चला नहीं पा रहे बाइक अपनी। तो आज की तारीख में इस मुद्दे पर जो राहुल गांधी ने कहा है, जो कांग्रेस ने कहा है कि 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां, जिसमें 8 लाख के करीब आरक्षित नौकरियां हैं दलित पिछड़े आदिवासियों की, वो हम सरकार बनते ही दे देंगे, इसका बड़ा असर हुआ है लोगों को। 2 करोड़ रुपए सालाना का वादा किया था आपने, वो नौकरी कहीं नहीं मिली, बाकी सारे वादे वो कहीं पूरे नहीं हुए। आपको मालूम होगा कि एक प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है अभी नागरिकों के नाम, मेरे प्रिय परिवारजन, उसमें बहुत सारी बातें कही है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, लेकिन जनता देख रही है कि ग्राउंड पे आपने सिवाय नफरत और विभाजन के और कुछ नहीं किया है। और चुनाव आप कश्मीर से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर आप कश्मीर में चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, लद्दाख में आंदोलन चल रहा है, वहां चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, इसका मतलब
आपकी हालत पतली है। दूसरी बात, आपने कहा वन नेशन वन इलेक्शन, पूर्व राष्ट्रपति को आपने विवाद में डाल दिया, उनकी अध्यक्षता में आपने एक कमेटी बना दी और चुनाव से ठीक पहले उस कमेटी की रिपोर्ट ले ली, कर देते सारी विधानसभाएं भंग, किसने रोका था, कर देते सारी विधानसभाएं भंग, चुनाव करवा लेते एक साथ, इससे अच्छा मौका कौन सा था। जब आप तो पार जीत ही रहे, 400 से ऊपर जारी रहे, पूरे देश में आप आ जाते, लेकिन आप तो जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवा पाए, 6 साल से विधानसभा भंग पड़ी हुई है वहां की। आप कहते हैं स्थिति अच्छी हो गई, हमने 370 हटा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर लिया, जो पत्र लिखा है उसमें 370 का बड़ा प्रमुखता के साथ जिक्र किया है जी। तो चुनाव जा रहा है वहीं पे जहां आप कह रहे हैं कि चुनाव खुला हुआ है, चुनाव पूरी तरह ओपन है जी। रघुवीरा विरत है, विरत रघुवीरा, मगर उसके बावजूद भी नतीजा क्या हुआ था ये सबको मालूम है, रघुवीर ही जीते थे जी। आपने जी। सारे खाते सील कर दिए हैं, सील खाते किसके होना चाहिए थे, जो इलेक्टोरल बांड अवैध घोषित हो चुके हैं, असंवैधानिक हो चुके हैं, तो पैसा संवैधानिक कैसे हो गया, वो पैसा भी असंवैधानिक हो गया, पैसा भी जब्त हो जाना चाहिए था फौरन, लेकिन वो नहीं हुआ। 6,000 करोड़ से ऊपर खाली इससे मिले हैं, बाकी चंदे की बात तो छोड़ दीजिए। और कांग्रेस की हालत क्या है आज, सारे खाते बंद हैं, आज बॉम्बे में समापन है, कल हो गया, कल मीटिंग है, कांग्रेस चाह रही थी यहां से कि कुछ मीडिया वालों को लेके जाए, नहीं ले जा पाई, तनख्वाह का इस महीने जो है तनख्वाह देर से मिली वहां पे कर्मचारियों को, आम कर्मचारियों को, क्यों, चारों खाते सील कर दिए हैं, कांग्रेस का, युवा कांग्रेस का, महिला कांग्रेस का, सब खाते सील है, आप पैसा खर्च ही नहीं कर सकते, आप चेक दे रहे हैं, डिसऑनर हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विरथ रघुवीरा बिल्कुल सही शब्द है, खड़ा हुआ है जी। और देश देख रहा है, जैसे विभीषण ने देखा था, घबरा गए थे विभीषण, ऐसे पूरा देश देख रहा है, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या हुआ वो भी सबको मालूम है। और क्यों हुआ, क्योंकि देश की समस्याओं को आपने एड्रेस किया ही नहीं, सिर्फ नफरत और विभाजन के सहारे आपने 10 साल निकाल लिए हैं, लेकिन अब नफरत और विभाजन के सहारे आपको 2024 में वोट मिलने वाला नहीं है। 2024 में लोग वोट इसीलिए देंगे कि हमें नौकरी मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।